छतरपुर एक्सप्रेस। भाजपा विधायक बबलू राजेश शुक्ला की करतूताई सामने, पुलिस के साथ मिलकर युवक के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया। छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बबलू राजेश शुक्ला की करतूत सामने आई, जहां पर अम्बेडकर बस्ती में बिकने वाली अवैध शराब का एक युवक के द्वारा विरोध करना उसे महंगा पड़ गया। युवक जब रात में अपने घर में सो रहा था, तभी विधायक के इशारे में पुलिस आई और युवक को थाने ले गई। आज लगभग 4 से 5 दिन बाद भी युवक को छोड़ा नहीं गया। बताया जा रहा है कि युवक आम आदमी पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष है। वहीं युवक की मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक के द्वारा पूर्व में भी उसके बेटे को धमकी दी गई है। महिला ने बताया कि उसके बेटे का भविष्य खराब किया जा रहा है। महिला छतरपुर SP कार्यालय पहुंची और क्षेत्रीय विधायक और पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच की मांग करने लगी। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है या मामले को ऐसे ही रफा दफा कर खत्म कर दिया जाता है। आज शिकायत करने वालों में प्रदेश सचिव अमित भटनागर, जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र पटेल, यूथ विंग जिला अध्यक्ष मनु चौरसिया, यूथ विंग जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र श्रीवास के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की। अमित भटनागर, प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश। आज किस संबंध में SP ऑफिस आए? दरअसल हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं राहुल अहरवाल, उनको विधायक है बबलू शुक्ला, जो बिजावर के विधायक हैं, सत्ता दल के हैं, और उनके राजनीतिक षडयंत्र के कारण उनको पकड़ा गया है। बबलू शुक्ला जो है वो एक जो BJP का एक सत्ता का ही तानाशाही कि खुद अवैध शराब बिकवाना और 2 नंबर के काम करना, जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। और हमारे पार्षद जब चुनाव लड़े थे तो राहुल अहरवाल ने हमारे पार्षद का सहयोग किया था और हमारे पार्षद बहुत कम खर्चे में चुनाव जीते थे। और राहुल अहरवाल और उनके परिवार के द्वारा उनके मोहल्ले में जो विधायक जी के संरक्षण में शराब बेची जा रही है, उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई जाती रही, जिसके कारण बबलू शुक्ला जी के द्वारा पुलिस ने राहुल अहरवाल जी के ऊपर एक झूठा और फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। और आज 3 दिन हो गए हथकड़ी डाल के रखे हुए हैं, जबकि हमारे द्वारा कल भी SP साहब को ज्ञापन दिया गया था। और पुलिस जो है वो सत्ता दल के एक दबाव में, उनके एक दबाव के में काम कर रही है। और बिजावर में ऐसी घटनाएं बहुत घट रही हैं कि कोई भी पकड़ लाते हैं, उससे पैसे खींचा जाता है, उससे कहा जाता है कि विधायक जी से फ़ोन करवा दो, जब विधायक जी फ़ोन करेंगे तो विधायक जी का और पुलिस का जो ये गठजोड़ है, ये बहुत बुरी तरीके से बिजावर में जनता इससे त्रस्त है। इसके खिलाफ आज हमारे द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है हम देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि वो कितना देखते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में इस पुलिस की और विधायक के इस संरक्षण में जो जनता का शोषण हो रहा है, लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इस अमानवीय चेहरे को पूरे प्रदेश में ले जाया जाएगा। क्या नाम है आपका? भान प्रताप सिंह परमार। कहाँ के रहने वाले? बमहोरी। आज इसलिए आए हैं आज हम इसलिए आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत बमहोरी में अवैध शराब और अवैध जितने भी तरीके के काम होते हैं, इनके खिलाफ़ एक समिति बनाई गई थी 15 सदस्यीय, वो काम कर रही है। उससे परेशान होकर शराब ठेकेदार ने उन बच्चों पर जो उस समिति में काम कर रहे थे, 3-4-5 लोगों पर झूठे मुकदमे बनवा दिए गए 34-2 के, मारपीट के, जिसमें कुछ हुआ नहीं है और मुकदमे कायम करवा दिए गए। आज आप कहाँ आए? आज हम SP साहब महोदय जी के पास आए हैं शिकायत करने के लिए कि इसकी जांच की जाए और फर्जी मुकदमा जिसने बनवाया है उन पर कार्रवाई की जाए। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि न्याय मिले उन बच्चों को, उनकी FIR को ख़त्म करके उनको छोड़ दिया जाए, उसमें नाबालिग भी हैं, और झूठी रिपोर्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो आरोपी बनाए हैं उनके नाम क्या है? उनमें एक नाबालिग, एक आकिल खान है, एक राघवेंद्र सिंह है, एक सूर्य प्रताप हैं। अच्छा, इन लोगों को आरोपी बनाया? हाँ, इन लोगों, इसमें नाबालिग भी हैं 2 बच्चे जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जांच हो, निष्पक्ष जांच करवाई जाए इसकी, और झूठी रिपोर्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।